देखे पानी किस तरह से बहता हुआ जा रहा है, कितना खूबसूरत नजारा है, चारों तरफ से पानी ही पानी है। हाय दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भुरिया ट्रेवल ब्लॉग। पर सावन का मौसम हो और बारिश हो, उस पर ये नज़ारे देखो कितने खूबसूरत हो जाते हैं। हर जगह पर छोटे छोटे झरने आ जाते हैं और जब देखते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं। ये देखो कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए दोस्तों, मज़ा आ रहा है। यदि आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसी तरह से नए नए जगह पर ले चलूँगा। चलिए आपको आगे दिखाते हैं बड़े केदारेश्वर पर, वहाँ पे कैसा हाल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भुरिया ट्रेवल ब्लॉग। पर देखिए आज हम उसी जगह पर आ गए हैं। अभी कुछ समय पहले मैं आपको यहाँ पे लेके आया था, तब का नज़ारा देखे और आज का नज़ारा देखे कितना फ़र्क है ना, खूबसूरत शानदार नज़ारा। अगर आपको एक जगह पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल रात को यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है, इतनी कि अभी तक बारिश नहीं थमी, अभी भी देखो कितनी बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद यहाँ का नज़ारा देखे कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखिए आप चारों तरफ कितना खूबसूरत नज़ारा। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ये हमारे सनसेट देखिए यहाँ के बाढ़ को लगाते हुए, क्योंकि पानी की वजह से पूरा बाढ़ गिर गया है, इसको वापस यहाँ से लगाते हुए, इतना तेज़ पानी गिर रहा है यहाँ। ये देखिए दोस्तों, पानी के वेग की वजह से बाढ़ जो लगी हुई थी यहाँ पर, ये सारी गिर चुकी है। तो सावन के महीने में काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये यहाँ पर मंदिर पर काम करने वाले हमारे सदस्य हैं, ये यहाँ पे देख रेख करते हैं। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण भगत जी, ग्राम रक्षा समिति के अध्यक्ष हूँ यहाँ के, 10-12 साल हो गया। ये पहला ना पे आई सावन का पहला ये ऐसा पानी गिरा बहुत ज़ोर से, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि इस तरह का नज़ारा देखने काफ़ी लोग आते हैं। तो पिछली बार की तरह पानी कम है या अभी ज़्यादा है? आपके बारी ज़्यादा है, अभी ज़्यादा बारिश। हाँ, पूरा पूरा सावन से अभी पूरा बहुत ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, भाई सावन के महीने पे यहाँ पे इस तरह से नज़ारा होता है। ये यहाँ पे हमारे सन से ही है जो यहाँ पे देख रेख करते हैं, इन्होंने बताया यहाँ पे पानी इस बार काफ़ी तादाद में गिरा है। आप भी देख सकते हैं किस तरह से पानी यहाँ पे गिर रहा है। तो देखिए दोस्तों, चलिए अंकल फिर आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। ओके, ठीक। ये देखिए दोस्तों, वहाँ से ये पानी झरना गिरता हुआ आ रहा है उस जगह से, और आज पानी पानी, पिछली बार हम वहाँ पर सामने गए थे, मैंने आपको कहा था यहाँ पे पैदल चलने की जगह भी नहीं आती है। देखो आज वैसा ही माहौल है, बिल्कुल पानी पानी हो रहा है चारों तरफ। ये देखिए पानी किस तरह से बहता हुआ जा रहा है, चारों तरफ से पानी ही पानी है। दोस्तों देखिए यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत और कितना शानदार नज़ारा है। पानी की धार देखिए आप, जब हम पिछली बार यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था। अभी सावन का आखिरी दिन था और बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में हुई है, जिसका फलस्वरूप यहाँ पर देखे कितना पानी तेज़ी से बह रहा है। और यहाँ पर आकर वाकई में दिल खुश हो जाता है इस जगह को देख के। देखिए इस नज़ारे को, इस अद्भुत नज़ारे को, इतना पानी, इतना तादाद में पानी है कि देखो यहाँ पे जो बाढ़ लगी हुई थी वो भी टूट गई है। ये देखिए यहाँ पे पर्यटक फिर भी यहाँ पे देखने आए हैं, घूमने आए हैं। ये देखिए नज़ारे को दोस्तों, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ हमारे कुछ नए दोस्त मिले हैं हमें। आपका नाम? विजय। और ये विजय और ये अजय। अजय, ये विजय और अजय हमें यहाँ पर मिले हैं बड़े केदारेश्वर पर। देखिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। ये हमारा एक दोस्त हो रहा है, आपका नाम? भैया अमित। अमित, अमित, ये रतलाम जिले के सैलाना तहसील में यहाँ पे बड़ा केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखो कितने पर्यटक आते हैं सारे दोस्तों। हाय दोस्तों, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे सभी दोस्तों को आभार प्रकट करते हैं। तो ये हमारे नए सब्सक्राइबर मिले हैं यहाँ पे इस जगह पर, ये हमारे सारे दोस्त हमसे जुड़े हैं। बिल्कुल लाइक भी कर सकते हैं, जिनको पसंद आए बिल्कुल लाइक कीजिएगा।
और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। चलो दोस्तों, फिर आपसे विदा लेते हैं इसी उम्मीद के साथ में, हम अगली बार यहाँ पर जरूर आएंगे और इसी तरह से आपको नए नए जगह पर हम लेके चलेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? बाय। जय श्री केदार, जय माता दी, हर हर महादेव।